हाँ हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं अलरा जी इंटरनेशनल बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं। अलरा जी ऐप को ओपन कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन कर लिए। इधर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, इधर टाइप कीजिए उसको। उसके बाद इधर तीन लिखे रहा दिख रहे, इसको क्लिक करना है। उसके बाद इधर ट्रांसफ़र में जाना है आपको। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिए, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू बैंक। इधर ऐड न्यू बेनिफिशरी इंडिविजुअल। उसके बाद जो कंट्री में आपका अकाउंट है उधर इधर से उस कंट्री को ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया इधर आ गया। उसके बाद इधर स्विफ्ट कोड या आईएफएससी कोड टाइप कीजिए। इधर मेरा आईएफएससी कोड 05407 है, अगर ये है तो ले लेगा, नहीं बोल तो स्विफ्ट कोड ऑटोमेटिक में ले लेगा वो। स्विफ्ट कोड डाल देगा ऑटोमेटिक, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए स्विफ्ट कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया उधर। उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, मेरा ब्रांच हैदराबाद का ले जा रहा हूँ। देखिए इंडियन रुपीज़ ऑटोमेटिकली आ गया। सर्विस टाइप दे रहा है इधर, डायरेक्ट फॉरेन अकाउंट क्रेडिट, इसको ओके कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब इधर आपको बैंक डिटेल्स देना है, बैंक में क्या नाम है आपका वो देना है। फॉर एग्जांपल खवी, नेशनलिटी इंडिया। उसके बाद स्ट्रीट नेम कुछ भी लिख दीजिए, उधर जो स्ट्रीट नेम है बैंक का वो लिख दीजिए। स्ट्रीट नंबर 0 कर दीजिए अगर है तो। पोस्ट बॉक्स नंबर दे दीजिए उधर, पोस्टल कोड भी सेम ही रहता 5। उसके बाद स्टेट सिटी इधर डाल दीजिए। उसके बाद इधर अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जस्ट ऑप्शनल डाल रहा हूँ मैं, ये नहीं होता मेरा अकाउंट नंबर। उसके बाद वेरिज ब्रांच एग्जिट गदवाल है ऐसा डाल दीजिए। उसके बाद जो सिटी में जो आपका बैंक जो ब्रांच में है उसका नाम इधर लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आपको इधर डिटेल्स कंफर्म करने के लिए पूछेगा, अगर कुछ कुछ डिफरेंस करना है तो इधर एडिट करके क्लिक कर आप चेंजेस कर ले सकते हो। सब ओके रहने के बाद कंफर्म कीजिए, आपके एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका जो भी बेनिफिशियरी है एक्टिवेट हो जाएगा। चलो देखते हैं ये भी 264 आया है, नहीं होता ये 3649 है, सॉरी 3649। तो आपके बेनिफिशियरी तो ऐड हो गया। जैसे भी आपको बेनिफिशियरी एक्टिवेट करने के लिए कॉल में नो मारे तो आपके मोबाइल पे फ़ोन आएगा, वहाँ पे प्रेस 1 करना है। देखिए इधर फ़ोन भी आ गया। सुनने आ रहा है शायद आपको, प्रेस 1 फॉर कंफर्म बोल रहा है, प्रेस 2 फॉर द कैंसल। प्रेस 1 कर दिया तो आपका अकाउंट जो भी है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बस इतना ही है भाई, ये तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इसको कुछ भी मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। ओके भाई, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।